बसमिल्ल वसलामर रसोल्ला वाल वसाव अजमाइन रबी शुराखली सदरी वसर अमरी वखल्दम्लिस अफ़ाकली अल्लाम वरम वबरकू जजाक खैर आप सब आए सो एज़ यू नो दिस इज़ आर थर्ड हलक और बात कर रहे हैं हम इस हलाका में कि थिंग्स दैट मैटर इन लाइफ वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत मैटर करती हैं उस हवाले से सबसे पहले हलका में मैंने आप सबसे डिस्कस किया था कि वाई आवर मैंटालिटी हेज़ बिकम लाइक दिस कि वो चीज़ें जो एक्चुअली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर कर रही उन्हें हमने छोड़ा हुआ है और वह चीज़ें चीज़ें जो मैटर ही नहीं करती उन्हें हमने एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी हुई है तो उसकी वजूहत मैंने आप सबसे डिसकस की थी कि वजह क्या है फिर सेकेंड हल्का में मैंने सबसे जो इंपॉर्टेंट एंटिटी है हमारी लाइफ में देट इज़ अल्लाह सुबहाना वात उनके बारे में जिक्र किया उनके कुछ एट्रीब्यूट्स जिक्र किए आप सबसे और फिर मैंने आपको कुछ हदीस सुनाई कि अल्लाह सुफहाना वाली के लिए जब हम टाइम निकालेंगे तो हमारी लाइफ में कितने बेनिफिट्स आएंगे ओके तो आज की इन जो एपिसोड है या आज का जो हलका है उसमें हम मज़ीद अल्लाह सुफाना वाली के बारे में और बात करेंगे बिकॉज़ वो एंटिटी जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ में उस एंटिटी के बारे में उसकी ख़्वाहिशात के बारे में उसके प्लेजर के बारे में उसके डिसप्लेजर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जैसे एक फ्रेंड आपके लिए बहुत मैटर करता है एक फ़्रेंड इतना मैटर नहीं करता जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसकी आप फिर उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं कि उसे कौन सी चीज़ ऑफेंड करती है उस फ्रेंड को कौन सी चीज़ पसंद है जिसको आपसे प्यार और मोहब्बत हो फिर आप क्या करते हैं कि आप फिर उसके लिए गिफ्ट्स लाते हैं और गिफ्ट्स भी बहुत अलग किस्म के लाते हैं और बड़े अच्छे अंदाज़ से लाते हैं कैजल अंदाज़ से नहीं लाते हैं। ग्रेटेस्ट बींग मोस्ट इंपॉर्टेंट बींग इन आर लाइफ तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लेजर ऑफ अल्लाह कि अल्लाह प्लेजर किस तरह से हासिल किया जाए सबसे पहले एज यू कैन सी इन द पिक्चर मैंने एक चीज आपको दिखाने की कोशिश की है have यू एवर imagined? कभी आप सोचने बैठे इस बात पर कि तकरीबन 7.8 बिलियन लोग हैं इस वक्त दुनिया में दुनिया की जो पापुलेशन है 7.8 बिलियन है उस 7.8 बिलियन में से अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान घराने में पैदा किया ना सिर्फ पैदा किया आपको इस्लाम की समझ भी दी और इस्लाम की समझ देकर आप में वो ख्वाहिश वो चीज़ पैदा की कि आज आप ये हलका अटेंड करने आए बहुत से लोग जो हैं वो इस टाइम कुछ और कर रहे होंगे कुछ को तोफीक ही नहीं बिल्कुल भी ठीक है तो ये इन इट सेल्फ इतनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह सुमान तआला की और ये एक साइन है कि अल्लाह इज़ प्लीज्ड विद यू आई एम टेलिंग यू बहुत से लोग स्कॉलर से पूछते हैं कि हाउ टू नो कि अल्लाह इज़ प्लीज्ड विद अस अल्लाह के प्लेजर को कैसे चाहें हम किस तरह से अल्लाह के प्लेजर को हासिल करें कैसे जाने कि अल्लाह हमसे प्लीज्ड है तो स्कॉलर्स आंसर करते हैं कि अगर आप नेक का माल कर रहे हैं और आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ नेक एक का माल हो रहे हैं जहाँ अल्लाह का तस्करा हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अल्लाह आपसे खुश है सो कॉन्ग्रैचुलेशन एंड वंस अगेन अल्लाह ख़ैर और बशारत है हम सब के लिए खुशखबरी है हम सब के लिए कि अलहदुल्ल अभी इतनी हमें वो चीज़ बाकी है कुछ ना कुछ अल्लाह को पसंद है हमें जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठ के अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं। फिर देखिए कितने ही लोग हैं 7.8 बिलियन में से 90 परसेंट ऐसे लोग हैं सर्चिंग फॉर अ मीनिंग इन लाइफ जिनकी लाइफ में हॉलोनेस है एम्पटीनेस है उन्हें समझ नहीं आती कि जिंदगी कैसे गुजारनी है जिंदगी उनके हाथ से निकलती जा रही है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है दे कांट मेक सेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वो कहते हैं कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं हमारा पर्पस क्या है ज़िंदगी में तो क्या ये बहुत बड़ी खुश नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको वो सेंस ऑफ पर्पस भी दे दिया कि तुम किस लिए एग्जिस्ट कर रहे हो यू आर एग्जिस्टिंग टू डू समथिंग बिग इन दिस वर्ल्ड और वो बिग क्या है अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह की इबादत और अल्लाह ताली की अतात में फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती लोगों के लिए कुछ करना कुछ बड़ा करना प्रोडक्टिव लाइफ गुजारना एक ऐसा वे ऑफ लाइफ हमें मिल जाना जो बहुत सुपर प्रोडक्टिव है लोग तलाश में हैं कि हमें वो वे ऑफ़ लाइफ मिल जाए हमें हलाल हराम का पता लग जाए हमें वो रूटीन पता लग जाए हमें वो परफेक्ट फार्मूला पता लग जाए जिससे हम लाइफ में सक्सीड कर जाएं यकीन करें लोग तलाश में हैं आप शायद नॉन मुस्लिम से कभी इंट्रैक्शन हुआ है आपका कि नहीं हुआ है मैंने जब जॉब की थी यू में तो मेरा नॉन मुस्लिम से बहुत इंटरेक्शन होता था तो एक स्टेज आती है उनकी लाइफ में भी जब वो बहुत ज़्यादा ये बातें सोचते हैं कि क्या है वो प्रैक्टिकल चीज़ वो प्रैक्टिकल फार्मूला जिससे हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी कंटेंटमेंट मिलेगी एक अंदर की तस्किन जिसे कहते हैं एक अंदर का सुकून हमें मिलेगा वो क्या फार्मूला है तो अल्लाह का शुक्र है कि 7.8 बिलियन लोगों में से अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया अल्लाह ताला ने हमें एटलीस्ट इतनी समझ दी है कि कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला ने हमें कुरान से एक्सेस दिया ऐसे हलाकाज, ऐसे लेक्चर्स का एक्सेस दिया और मुझे भी पढ़ने की तोफ़ी दी आप सबको पढ़ाने के लिए ज़ाहिर है मुझे भी पढ़ना पड़ता है तो दिस इज़ अ साइन के अल्लाह ताला इन हमसे प्लीज है बाकी ये कि वी हैव टू तो अटेन द बेस्ट हमने प्लेजर की पीक इनशाला पानी जो पीक सहाबा तलाश किया करते थे सो so, प्लेजर ऑफ अल्लाह इज़ टू डेज़ टॉपिक एंड दिस इज़ वन ऑफ दी थिंगस वैटर्स मोस्ट इन लाइफ सबसे पहले मैं आपको सीरा से एक वाक़ सुनाता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सेंटेंसेस ताइफ का वाक़ तो आप सब ने सुना है बहुत मशहूर वाक़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दावत देने जाते हैं और वहाँ उनके अपने लोग अपने से मुराद अरब नेशन यानी अपनी कौम ठुकरती है पत्थर पड़ते हैं रसोल्ला सल्स को ज़ख्मी होते हैं लहूलुहान होते हैं और बच्चे नबी सल्ह्सम के पीछे पड़ते हैं मजनून कहते हैं पागल कहते हैं नारे लगाते हैं पीछे से पथराव करते हैं यानी सोचे मासूम बच्चे जिनको नहीं पता सही और गलत क्या है वो नबी सल्हलम को इस तरह से टोंट करते हैं बिकॉज़ उनके चीफ्स ने उन्हें बहकाया जो भी किया हमारे नबी सल सल्म चूँकि उनका दिल बहुत नरम था ज़ाहिर है वो भी इंसान थे उन पर भी गम आता था गम की कैफ़ियत तो हम में से बहुत कम लोग को यहाँ तक तो पता है कि ताइफ में पत्थर पड़े लेकिन शायद हमें वो एपिसोड नहीं पता कि उसके बाद रसूल अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम एक दरख के नीचे बैठे अफसरदा होके बहुत अफसरदा होके और फिर हमारे नबी ने कुछ दुआ की और वह दुआ के कलमात मैं आपके सामने आज रखूँगा और उस दुआ में एक सेंटेंस है जो दिल हिला देने वाला सेंटेंस है वो दुआ बड़ी खूबसूरत है आऊज बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुमा इलायका अशकू ज़ुअफ़ क़ुवति व क़िल्लत हिलाति व हवानी अलन्नसी या अरहमर रहीमिन अभी मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। अंत रब्बुल् मुस्तज़अफ़ीन व अंत रब्बी इला मन तकिलनी इला बैदीन यतजहहुमुनी अम इला अदुवम मल लगता अमरी इन लम यकुन बिका अलैया गज़ब उन फ़ला उबाली वाला किन आफिया अभी यहाँ तक मैंने आपको दुआ पढ़ाई पूरी दुआ है लंबी दुआ है लेट्स रीड द ट्रांसलेशन ओ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिल्कुल बेहाल हो गए गम की हालत है सो ये दिल से निकलने वाली बात है जब इंसान मैंने आपको बताया था कि गम से बहुत ज़्यादा ग़म उसके दिल में होता है इस्पेली जब देखिए ना अपने लोग इस तरह से ट्रीट करें जिनके साथ चालीस साल गुजारे हैं जो जानते हैं सादक हैं ये अमीन है उसके बावजूद ऐसा रवैया है तो कहा ओ अल्लाह टू यू आई कम्प्लेंई वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड माई हेल्पलेसनेस एंड लोलीनेस बिफोर मैन ए अल्लाह मैं आपसे कम्प्लें करता हूँ और मैं किसके पास जाऊँ मैं आपसे शिकायत करता हूँ किस चीज़ की अपनी वीकनेस की अपने ज़ोफ की एंड माई हेल्पलेसनेस और मैं हेल्पलेस हो चुका हूँ और ह्यूमिलिएशन बिफोर मैन लोलीनेस बिफोर मैन ये लोग जो हैं जो कल मुझे सलाम किया करते थे जो कल जो है वो इतना इज्जत किया करते थे जैसे ही मैंने कलम का नाम बुलंद किया आपका नाम बुलंद किया तो आज यही लोग जलील करने पे उतर आए हैं यू आर द मोस्ट मर्सीफुल एंड लॉर्ड ऑफ दोज हु आर हम्बल एंड वीक एंड यू आर माई लॉर्ड और फिर नबी अलैहि वसल्लम ने कहा टू होम डू यू लीव मी अहला तू मुझे किसके हाल पे छोड़ता है ये शिकायत है लेकिन ये वो वाली शिकायत नहीं है जिसमें तकदीर को चैलेंज कर दिया ये जैसे एक किसी से आपको मोहब्बत हो आप उससे अपनी वीकनेस की शिकायत करते हैं ताकि वो आपसे सिंपथाइज करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं टू होम डू यू लीव मी आप किस पर मुझे छोड़ते हैं टू अ डिस्टेंट पर्सन हु रिसीव्स मी विद हॉस्टिलिटी क्या आप मुझे उस शख़्स के हाल पे छोड़ते हैं जो मेरे साथ हॉस्टाइल है यानी ताइफ की बात हो रही है क्या आप तइफ़ वाले लोगों के हाल पे मुझे छोड़ते हैं और टू एन एनिमी हु हैव गिवन होम यू हैव गिवन पावर ओवर मी या उस दुश्मन के हाल पे मुझे छोड़ते हैं जो इस वक्त मुझसे पावरफुल है अबू लहाब की बात हो रही यानी अपने चचा की बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त मेरे पे हावी हुआ हुआ है और वो लोग मुझे निकालने पर तुले हुए हैं मक्का से तो क्या आप उनके हाल पर मुझे छोड़ देंगे ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी से मोहब्बत करें और उनको ये कहें कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे क्या आप मुझे छोड़ देंगे इस तरह से तो यह एक बहुत ही मोहब्बत भरी कंप्लेंट है रसूल अल्लाह वसल्लम की और फिर अगला सेंटेंस जो मैं आपको आज सुनाना चाहता हूं ओ माय लॉर्ड एज लॉन्ग एज यू आर नॉट विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स खत्म कि एल्ला जब तक तू मुझसे राजी है तो फिर कुछ और मैटर नहीं करता फिर यह सब कुछ कबूल है पहले कम्प्लेन की अब तरीक़ा देखिए वसल्लम की दुआ का पहले अपनी वीकनेस जाहिर कर दी पहले जो है वो अल्लाह ताला को सब कुछ बता दिया और उसके बाद कहा कि नहीं अल्लाह जब तक आप मुझसे डिसप्लीज नहीं हैं तो फिर कुछ और मैटर नहीं करता तो ये है वो फलसफा जो आज हम डिस्कस करने आए हैं कि जिंदगी में जब तक अल्लाह राजी है तब तक जिंदगी सेट है जब अल्लाह नाराज़ है तो बस समझें कि हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया अब हमारा क्राइटेरिया ये है हमारा लॉस ये है कि नहीं फ़लाना इंसान हमें छोड़ गया तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो मैं मानता हूँ नेचुरल है ज़ाहिर है इंसानों से हमें एक्सपेक्टेस लग जाती हैं इंसानों से दिल लग जाता है जब कहीं ज़ाहिर है बात नहीं बनती कोई दोस्त छोड़ जाता है कोई रिश्तेदार छोड़ जाता है कोई रिश्ता टूट जाता है वगैरह वगैरह दुख तो होता है लेकिन क्राइटेरिया साहबा का था प्लेजर ऑफ अल्लाह कि जब तक अल्लाह है चाहे मैं सड़क पे भी आ जाऊं चाहे मैं जेल में भी चला जाऊं चाहे मैं नहता हो जाऊं चाहे मेरी दौलत चली जाए चाहे मैं बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाऊं जब तक मेरे पास अल्लाह है तो मैं सबसे अमीर आदमी जैसे इबन तैमिया रहीम ने एक सेंटेंस कहा था मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इबन तैमिया के स्ट्रेंथ इस, इस कोट से ही सेट के वट कैन माई एनिमीज डू टू मी मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं वेर एवर आई गो माई पैराडाइज इज विद मी जहाँ भी मैं जाऊँगा मेरी जन्नत मेरे साथ जाएगी इफ़ दे एक्सपेल मी अगर वो मुझे निकालेंगे तो ये मेरे लिए सियाहत है मैं सियाहत करूँगा अल्लाह ताला के साइंस देखूँगा अल्लाह की हम बयान करूँगा इफ दे कन्फाइन मी अगर वो मुझे जेल में बंद करते हैं दैट इज टू मी तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा अल्लाह की इबादत करने का मैं सॉलीटूड में आ गया एंड इफ दे किल मी देन आई विल गो टू पैराडाइज सो वट कैन माई एनिमीज डू टू मी यानी इस तरह की एम्पावरमेंट इतनी बहादुरी इतना करेज कि मेरे दुश्मन मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं हर जगह तो मैं जन्नत लेकर जाता हूँ वेयर एवर आई गो आई कैरी फॉरवर्ड माई जन्ना विद मी निकाल देंगे वो सियाहत है जेल में बंद कर देंगे वो सॉलीटूड है और कत्ल कर देंगे तो वो शहादत है तो इस तरह के इंसान को और इस तरह की कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता हम जिंदगी में शिकस्त क्यों खाते हैं क्योंकि हमारा क्राइटेरिया अल्लाह का प्लेजर नहीं है हमारा क्राइटेरिया लोगों का प्लेजर है फलाना मुझसे कितना खुश है फ़लाना मुझसे जो है पता नहीं राज़ी है कि नहीं है हालांकि लोगों को राज़ी करने में कोई मज़ायक नहीं है कोई मसला नहीं है बल्कि हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह की मखलूक को खुश करता है अल्लाह उससे खुश होता है लेकिन नॉट ऑन दी एक्सपेंस ऑफ डिसप्लीजिंग अल्लाह व तआला यह फलसफा है असल में तो जब उस जात को छोड़ के हम लोगों के पीछे भागेंगे उस जात को भुला के हम लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे हालांकि हमें अल्लाह ताला का पता नहीं कि अल्लाह ताला की पावर क्या है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अल्लाह ताला की पावर के बारे में बताया था कि दिलों का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में अल्लाह चाहेगा किसी का दिल फेर देगा हमारे लिए चाहेगा उसके दिल में मोहब्बत शफकत भर देगा चाहेगा उसके दिल में हमसे दूरी हमसे नफरत भर देगा ये अल्लाह ताला के कंट्रोल में है तो इसलिए हमारी पर्सनैलिटी की वीकनेस की वजह कि वी डिपेंड ऑन द पीपल वी डिपेंड ऑन एवरी वन अदर देन अल्लाह सुबहाना तआला सो प्रॉफिट वसल्लम सेड के एज लॉन्ग एज यू आर नॉट विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स जब तक अल्लाह आप राजी हैं तब तक हर चीज सेट है इसलिए देखिए अभी से ये माइंड सेट बना लीजिए जॉब नहीं है ज़िंदगी में कोई मुश्किल चल रही है ज़िंदगी में कोई डिफिकल्टी आ गई है जब तक इक्वेशन में अल्लाह है जब तक आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ है कुछ नहीं गया नथिंग इज़ अ लॉस कोई लॉस लॉस नहीं है ये दुनिया के लॉस और नथिंग लेकिन अल्लाह चला गया अल्लाह इक्वेशन से आउट है तो फिर ये सबसे बड़ा लॉस अब ये सौदा फिर आपने खुद करना है यही तो ज़िंदगी है असल में कि हम किस चीज़ को प्रेफर करते हैं किस चीज़ को नेगेट करते हैं निगलैक्ट करते हैं वगैरह वगैरह इब्ने कईम का एक कोट सुनिए कि डू नॉट कैरी दर वरीज ऑफ दिस लाइफ बिकॉज दिस इज़ फॉर अल्लाह दुनिया के वरिज़ को कैरी ना करो ये नहीं है कि वरी हो ही ना वरी होना नेचुरल है वो कहते हैं ना कि परेशान होना नेचुरल है लेकिन परेशान रहना नेचुरल नहीं है हर बंदा परेशान हो जाता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे सहाबा परेशान हो जाते थे परेशानी तो आती है जब उनकी वाइफ पे इल्ज़ाम लगा प्रॉफिट वसम की वाइफ पे हजरत आयशा सिद्दीका परेशानी आई परेशान हो गए लेकिन परेशान रहे नहीं तो अगर आप कैरी करेंगे दुनिया के वरीज को तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह व तआला पे ट्रस्ट नहीं है फिर तवक्कल में कुछ कमी एंड डू नॉट कैरी दरीज ऑफ सस्टेनेस बिकॉज इट इज फ्रॉम अल्लाह और रिज की टेंशन नहीं लेनी मेहनत करनी है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घर बैठ जाना सस्टेनेस की वरी को कैरी नहीं करना सर पर सवार नहीं कर लेना अब्दुल दिरहम अब्दुल्दीनार नहीं बन जाना अब्दुल्ला बनना है प्रॉफिट सहना कि वो टू तो अब्दुल दरहम एंड वो टू तो अब्दुल्दिनार तबाही है अब्दुल दरहम के लिए और अब्दुल दिनार के लिए कौन जो पैसे का बंदा है अब्दुलदिर पैसे का ग़ुलाम है पैसे का पुजारी है उसके लिए तबाही है सो so, पैसे का गुलाम नहीं बनना रिस्क की आपने टेंशन नहीं लेनी अल्लाह ताला राजिक है अल्लाह ताला चिड़ियों को रिस्क देता है अल्लाह ताली परिंदों को रिस्क देता है अल्लाह ताली बग़ैर मांगे रिज देता है नॉन मुस्लिम अल्लाह से तो नहीं मांग रहे अल्लाह दे रहा है अल्लाह ने तो बिल गेट्स का भी रिस्क लिखा हुआ है अल्लाह ने तमाम लोग का रिस्क लिखा हुआ है तो रिस्क आकर रहेगा इसीलिए तवक्ल अल्लाह सुबाना तौला पर रखी है और फिर कहा एंड डू नॉट कैरी एंगजाइटी फॉर द फ्यूचर बिकॉज इट इज़ इन दी हैंड्स ऑफ अल्लाह और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि क्या हो जाएगा ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए मेरा क्या बनेगा मेरा फ्यूचर क्या है मेरा कैरियर क्या है कैरियर अल्लाह बनाता है स्कोप अल्लाह बनाता है यूसुफ अलैहि सलाम जब कुएं में थे अगर वो ये सोचने लग जाते मेरा क्या बनेगा तो उन्होंने बादशाह बनना था इजिप्ट का यूसफ अस्म कुएं में जब थे उन्हें तो नहीं पता था मैंने बादशाह बन जाना है इजिप्ट का ओके सो यू नेवर नो हालात कैसे चेंज होते हैं तवक्कल अल्लाह पे करना है काम डाउन रहना है कम्पोज रहना है है बड़ा मुश्किल काम इसीलिए तो इसका सवाब है इसीलिए तो अल्लाह को ऐसे लोगों से मोहब्बत है क्योंकि मुश्किल काम है हर बंदा नहीं करता ज़्यादातर लोग पैनिक होते हैं इस्पेली रिस्क की जब बात आती है तो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है यकीन कीजिए कि रिस्क की टेंशन नहीं लेनी अगली चीज़ रेडी होगी आपके लिए अगर आप अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखेंगे और अगर नहीं भी रेडी अगर आप कुछ देर के लिए अनएम्प्लॉयड भी हैं कुछ देर के लिए नहीं वो चीज़ आपको मिल रही सो so व्हाट अल्लाह ताला तो आपकी लाइफ में है ना जैसे कुछ लोग आ, मेरे पास एक यंगस्टर है उन्होंने कहा कि मैं नमाज पहले पढ़ता था दुआ करता था अब मैंने छोड़ दी नमाज भी छोड़ दी दुआ करनी भी छोड़ दी तो मैंने जब वजह पूछी कहते कि मैं इतने अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ मैं एक बाबा जी के पास गया उन्होंने वजीफ़ा बताया वो वजीफ़ा भी मैंने किया पता नहीं लाख बार मैंने अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा दुआ भी की नमाज़ें भी पढ़ता हूँ जॉब ही नहीं लगी तो मैंने कहा कि फिर वो जो गरीब आदमी है जिसके पास ना घर है झोंपड़ी में रहता है उसको तो वैसे ही एथियस्ट हो जाना चाहिए अगर ये क्राइटेरिया है कि मेरी जॉब लगेगी तभी मैं अल्लाह की वर्शिप करूँगा तो गरीब आदमी तो पक्का पक्का एथियस्ट है क्योंकि तो ना उसके पास पैसे हैं उस बेचारे के पास तो दो तीन वक्त का खाना भी नहीं होता नसीब तो देखिए ये चीज़ को क्राइटेरिया ना बनाए अल्लाह इज़ नॉट जीनी इन द लैंप बिल्ला एलाडीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो चिराग को रगड़ा जीनी निकला और उसने कहा हुक्म मेरे आका और आपने उसे कहा यह दे दो और वो फ़ौर आपके सामने तो अल्लाह इज़ नॉट जीनी इन द लेंप ब्रादर अल्लाह इज़ योर लॉर्ड अल्लाह हमारा रब है बजाय के ये सोचने के, के मैं अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूं हमारी सोच उलट है कि अल्लाह मेरे लिए क्या कर सकता है और यही हमारा डाउनफॉल है यही हमारी उम्मत का डाउनफॉल है सहाबा की सोच थी वट कैन आई डू फॉर अल्लाह मैं कैसे अल्लाह ताला को अपनी जान से अपने माल से अपनी औलाद से किसी ना किसी तरह कैसे खराज तहसीन पेश करूँ इसलिए माइंड में बड़ा मसला है सो द पॉइंट के एंगजाइटी को कैरी मत करें फ्यूचर की एंगजाइटी बहुत बुरी होती है किसने देखा है फ्यूचर आपको पता है कल आपने ज़िंदा भी रहना है कि नहीं देखना आपको क्या पता आपकी लाइफ कितनी है सो उस आया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए सूर्य हशर चैप्टर फिफ्टी नाइन वर्स नंबर एटीन अल्लाह सेज के ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देख ले कि उसने कल के लिए क्या तैयार किया है कल के लिए तैयार करने से मुराद है कि वट इफ़ वो कल मुझे मीट करे मेरी मीटिंग हो जाए उससे तो कल को तुम्हारे पास मुझे प्रेजेंट करने के लिए क्या है तुमने अपनी यूथ में क्या किया पांच सवाल होंगे ना तुमने उस पैसे के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था उस इल्म के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था तो ये है फिलॉसफी मुसलमान की फिलॉसफी तो फ्यूचर की फ़िक्र आप ना करें फ्यूचर अल्लाह के हाथ में हज़रत यूसुफ को नहीं पता था उन्होंने किंग बन जाना है आपको भी नहीं पता आपका फ्यूचर पता नहीं क्या है अल्लाह नोज़ बेस्ट कैरी वन थिंग हाउ टू प्लीज अल्लाह सिर्फ़ एक चीज़ को कैरी करें अगर कैरी ही करना है सर पे सवार ही अगर किसी चीज़ को करना है तो टेंशनों को सवार ना करें परेशानियों को सवार ना करें इस चीज़ को सवार करें कि मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नहीं है जिस बंदे के सर पर ये चीज़ सवार होगी वो नमाज़ कभी नहीं छोड़ेगा वो कहीं भी जाके नमाज़ पढ़ लेगा चाहे वो कहीं भी है क्योंकि उसके चीज़ पे, उसके सर पे चीज़ सवार कि मेरा रब कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए ये है फ़लसफा और ये मोहब्बत है अल्लाह सुबाना वाली से बिकॉज इफ़ यू प्लीज हिम ही प्लीजेज़ यू फुलफिल्ज़ यू एंड एन रिचिज़ यू क्योंकि जब तुम अल्लाह को प्लीज़ करोगे अल्लाह तुम्हें राज़ी कर देगा और रसूल अल्लाह सल वसम के बारे में क्या ये नहीं कहा ती अलम यजिद का यतीमन फ़ावा व वजद का जो फहदा फ़ाह का आयलन फ़ागना व बिन बिनती रबी का फाहद तो इसी सूरा में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि क्या तेरे रब ने तुझे राज़ी नहीं कर दिया तो अल्लाह ताला का वादा है कि मैं तुम्हें राजी कर दूंगा अगर तुम अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगोगे सो ही विल प्लीज यू ही विल फुलफिल यू योर नीड ही विल एनरिच यू अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा अब चूँकि बात हो रही है अल्लाह ताला के प्लेजर की अल्लाह ताला के प्लेजर को हमने कैसे पाना है तो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको सूरह तौबा की ये वर्स समझाऊँ इस पर हम बात करें सूरह तौबा चैप्टर नंबर नाइन वर्स नंबर वन वन टू अबून आल हामिद सान सा मूना बिलमारूफ़ी अनिल मुनकर वलहा फिज़ूना हदूद व बशमिन ये हमारा गोल है अगर आप में से कोई चाहता है वो अल्लाह के प्लेजर को पा ले और वो उस लेवल पे पहुँच जाए कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे तो ये गोल है ये बेसिकली हमारा टारगेट है अतःबून कौन है अतएबून तोबा करने वाले जो रिपेंट करते हैं

हमारा उल्टा हिसाब है, है सब का अल्लाह ताला हमें जो है वो स्ट्रेंथ दे आबद बनने की तो अल-आबी अबिदून अदून अल्लाह की हमद बयान करने वाले अल्लाह को प्रेज़ करने वाले असाई हूँ अल्लाह की राह में ट्रैवल करने वाले सियाहत करने वाले अरा की ऊन असाजून सजदा करने वाले रुकू करने वाले अलआमिरूना बिल्माफ अच्छाई का हुक्म देने वाले व ना हूँ ना निलकर और बुराई के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने वाले आवाज़ रेस करने वाले बुराई के खिलाफ वल हाफिज़ून अली हदूद और अल्लाह की हदूद को अल्लाह की लिमिटेशंस को अल्लाह ताला की बाउंड्रीज़ को की हिफाजत करने वाले पामाल करने वाले नहीं उनकी हिफाजत करने वाले व बशरमिन और इन्हीं ममिन के लिए बशारत है लेट्स रीड समा तफसीर नंबर वन दोज रिपेंट अ

हमारे शोल्डर्स अगर अकड़े हुए हैं इसका मतलब है हम अकड़ से खड़े हैं हम किसके सामने खड़े हैं हमारी औकात क्या है हल हल्त इंसान हीन मिनत दहरीलम यकुन शय मजकूरा अल्लाह हमें हमारी औकात याद दिलाते हैं क्या इंसान पे ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब वो नाकबले मेंशन चीज़ था मजकूरा उसका तस्करा भी नहीं होता था यानी हम क्या थे वी वर नथिंग वी वर नॉन एग्जिस्टेंट और हाउ डिड वी कम इन टू एग्जस्टेंस वी ऑल नो बायोलॉजी हम सब ने पढ़ी है सो so, ये है इंसान की औकात तो अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा होना है तो नज़र आना चाहिए आपकी नमाज से कि ये सबमिट कर रहा है ये बंदा ये अकड़ में नहीं खड़ा हुआ है या ये गुस्से में नहीं खड़ा हुआ है या ये इस तरह नहीं खड़ा हुआ है कि इसके ज़बरदस्ती इसको खड़ा कर दिया गया है इसके शोल्डर झुके हुए हैं ये हदीस है कि द बेस्ट सलाइज जिसमें शोल्डर्स आपके, आपके सॉफ्टेस्ट हों और शोल्डर सॉफ्टेस्ट कब होते हैं जब आप बिल्कुल अपने आप को हम्बल कर देते शौल्ड ओके तो नमाज़ सिर्फ एक्शंस का नाम नहीं है नमाज पूरे दिल की एक कंडीशन का नाम है जब दिल झुक रहा है अल्लाह के आगे तो हर पार्ट अल्लाह के आगे झुकेगा वो नज़र आएगा आपकी नमाज बता देगी एनी anyway, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है फिर भी पढ़नी है कभी कभी नहीं दिल करता ठीक है मुझे भी ये बात पता है फिर भी पढ़नी है क्योंकि नमाज़ फ़र्ज तो इन श्ला आहिस्ता अल्लाह वो कंडीशन दे देगा जब सबमिसिवनेस भी आ जाएगी जब नमाज में लुत्फ भी आना शुरू हो जाएगा ओके तो दोज आर सबमिसिव एंड हम्बल इन देयर वर्शिप विद एक्सट्रीम लव एंड सर्विट्यूड तो वर्शिप में दो चीज़ें आप अपना टारगेट बनाए सबमिसिवनेस और अटैचमेंट अगर आप नमाज में अटैच कहीं और हैं पढ़ नमाज रहे हैं लेकिन ख्याल दुनिया के चल रहे हैं तो दिस इज नॉट अटैचमेंट अटैचमेंट अल्लाह से होगी तो ख्याल सिर्फ अल्लाह का आएगा ये चीज़ ओवर टाइम बिल्ड करने से आती प्रैक्टिस करने से आती है जस्तजु करनी पड़ती है एफ़र्ट करनी एफर्ट डालें अपनी नमाज में एफर्ट डालें ओके दो जु प्रेज़ अल्लाह हामिदून दो जू प्रेज़ अल्लाह व तआला एंड आर ग्रेटफुल फॉर बींग ब्लेस्ड विद इस्लाम एज वेल एज ऑल अदर बाउंटीज़ वेदर ड्यूरिंग कैलेमिटीज़ और इन ईज़ ये अल्लाह की हम बयान करते हैं सिर्फ तब नहीं जब तक अल्लाह दे रहे हैं बल्कि तब भी जब कोई मुश्किल आई हो तभी तो मजा है हमद बयान करने का वैसे तो हर बंदा हमद बयान कर देता वैसे तो हर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है जब आप टेस्ट हुए जब मुश्किल आई जब आपकी बेस हिल गई कभी कभी ऐसा होता है इंसान की बेस हिल जाती कि मेरे साथ हुआ क्या है तो तभी तो फायदा अल्लाह की हमद बयान करने का हजरत यूसुफ सलाम की एग्जाम्पल हजरत याकूब सलाम की एग्जाम्पल हजरत अलैहि सलाम की एग्जाम्पल उनकी जगह कोई भी होता उसकी बेस हिल जाती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है मैं इतना बीमार क्यों पड़ गया हूं मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार बंदा हूं लेकिन नहीं मजाल है एक वर्ड एक सेंटेंस उन्होंने ना शुक्रिया का अदा किया ये भी इंसान थे तो ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं तो बहरहाल हामिद वही अच्छे हैं जो मुश्किल में भी अल्लाह की हम बयान करते हैं और ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं देन दो जो जर्नी असाई ना वो लोग जो अल्लाह की राह में ट्रैवल करते हैं अब अल्लाह की राह में ट्रैवल करना मरी जाना नहीं है अल्लाह की राह में ट्रैवल करने से मुराद है कि ऐसी जगहों पे जाना जहां आप किसी टास्क के लिए जाएं मरी जाना बैन नहीं है मैं ये नहीं कह रहा लेकिन वो इस वर्ड्स में नहीं आएगा ट्रैवल करने में जहाद के लिए जाना किसी तबलीग के काम के लिए जाना किसी अच्छे सफ़र पर जाना जैसे माशा हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है यूथ क्लब के थ्रू डिफरेंट सियालकोट जाना कभी फैसलाबाद जाना किस लिए जा रहे हैं लेक्चर देने जा रहे हैं कोई पैसे लेने नहीं जा रहे तो ये है असाई हूना टू अटेन नॉलेज नॉलेज हासिल करने का आप सब असाई हूं बिकॉज आप लोग घरों से आए हैं आप लोग घर में भी बैठ सकते थे लेकिन आप लोग आए तो आप लोग इस आया में शुमार हो चुके हैं देट्स वाई वी आई टोल्ड यू के अल्लाह साल इज़ प्लीज विद ऑल ऑफ़ यू ये एक साइन है तो एक एक कदम पे रिवॉर्ड है एक एक कदम पे रिवॉर्ड है एक हदीस में आता है कि प्रॉफिट सिस्टम ने कहा कि जो बंदा नमाज बाज़त पढ़ने जाता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है उसकी नमाज ऑलमोस्ट शुरू हो गई नमाज इन देंस इस तरह शुरू हो चुकी है कि उसे एक एक कदम पर उसको रिवॉर्ड मिल रहा है जब तक वो नमाज की जगह पर नहीं पहुंच जाता उसके लिए रिवॉर्ड है और इसी तरह जो नॉलेज के लिए आ रहा है सीकिंग नॉलेज उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है तो ये है असाइन टू अटेन नॉलेज एंड माइग्रेट इन द वे ऑफ अल्लाह और वो लोग जो कि अल्लाह सुबहाना वताल के लिए माइग्रेट करते हैं मैं ऐसे कई लोग को जानता हूँ जो वेस्ट में हैं और दे सॉ देंजर्स ऑफ लिविंग देर और सब कुछ अपना छोड़ के वो पाकिस्तान आए किसी और मुस्लिम कंट्री में या पाकिस्तान आ गए दे आर द वो महाजरीन हिजरत करके आ गए तो उनके लिए बहुत रिवॉर्ड हैं दोज ही बो इन रुकू एंड प्रोस्ट्रेट इन सजदा राकी ऊन व साजिदून ये कौन लोग हैं जो पाँच वक्त की नमाज अदा करते हैं अब नमाज के बारे में इन अलग से एक लेक्चर होगा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट मैटर्स मोस्ट लेकिन मैं आपको एक वाक़ सुनाता हूँ एक सेलफ़ थे उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है वाक़ा बिल्कुल सच्चा है उनकी उनके घर ना बाहर रश लगा हुआ तो साथ वाले ने पूछा कि ये इतने लोग आए हुए हैं अफसोस भी कर रहे हैं चेहरे उतरे हुए हैं पता नहीं क्या वजह तो उन्होंने पूछा कि कोई फौतगी हो गई है तो उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा अल्लाह माफ़ करे कौन फौत हो गया उन्होंने कहा कि बस आप ऐसे ही समझें जैसे मेरे घर वाले फ़ौत हो गए तो वो इन्ना लाई व इन्ना लाज उन्होंने पढ़ा उन्होंने कहा कि बड़ा दुख हुआ सुन के उन्होंने कहा कि नहीं असल में बात यह है कि एक और बंदे ने उन्हें कहा कि बात असल में ये है कि वो हदीस है ना सही बुखारी की कि जिसकी असर की नमाज़ जानबूझ के निकल गई तो इट इज़ एज इफ़ ही हैज़ लॉस्ट हिज़ फैमिली तो ये इनके दोस्त हजरात आए हुए अफसोस करने के लिए इनके साथ कि आपकी असर की नमाज निकल कैसे गई अब ये हमारे लिए अजीब वाक्य है ऐसा कहाँ होता है हम तो किसी को अफसोस करने नहीं जाते लेकिन वो कम्यूनिटी ऐसी थी वो सोसाइटी ही ऐसी थी कि वहाँ आबिदून थे सारे के सारे वो बकायदा एक दूसरे पे नज़र रखते थे हाल चाल पूछते थे कि आज मस्जिद में आप क्यों नहीं आए उनकी क्राइटेरिया ही वो था एक दूसरे से मोहब्बत का हाल चाल पूछने का कम्युनिटी थी ना एक तो ये इस लेवल पे हमारे असलाफ थे कि वो अफसोस इस बात पे कर रहे हैं कि इट इज़ इफ़ के मेरी फैमिली जो है उसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि नबी सल वसल्म ने कहा इट इज़ एजिफ ही लॉस्ट इज़ होल फैमिली और एक हदीस में आता है जिसने जान के असर की नमाज़ तर्क की तो उसके सारे अमाल बर्बाद हैं यानी अल्लाह को फिर उसके अमाल की ज़रूरत नहीं है ये इसलिए है ताकि हम नमाज में पक्के हो जाएं ये डिस्करेज करने के लिए नहीं है आपको देखें कॉन्सिक्वेंस जब पता हो किसी चीज़ का इंसान उस चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाता है ह्यूमन नेचर है तो एनी anyway, वे ये वो लोग हैं जो पाँच वक्त की नमाज की हिफाज़त करते हैं और हिफाजत करने से मुराद बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपनी कीमती तरीन चीज़ की हिफाजत करते हैं तो नमाज़ आपकी कीमती तरीन चीज़ होनी चाहिए और उसकी हिफाजत से मुराद ये है उसको अव्वल वक्त पर पढ़ना क्योंकि प्रॉफिट सल्लम से जब एक सहाबी ने पूछा था कि यार रसोल्ला विच इज़ द बेस्ट ईट सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है अब प्रॉफिट सल्लम ये भी कह सकते थे गरीब की मदद करना यतीम को खाना खिलाना किसी के सर पर हाथ रखना किसी को खुश करना ह्यूमानिटी ये भी है इसका इनकार तो नहीं है लेकिन ये तो बहुत बेसिक है तो प्रॉफिट वसलम ने कहा कि अव्वल वक्त पर नमाज अदा करना ये सबसे बेहतरीन अमल है अफजलम अव्वल वक्त पर नमाज अदा करना और फिर पूछा फिर तो प्रॉफिट वसलम ने कहा कि जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह अल्लाह की राह में जिहाद करना स्ट्रगल करना स्ट्राइव करना और फिर पूछा कि उसके बाद तो कहा बींग गुड टू योर पेरेंट्स माँ बाप के साथ उसने सलूक करना तो जिहाद में देखें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जैसे इस वर्ड्स में भी है ना कि वो अल्लाह की राह में जाते हैं अब आज के दौर में इतनी टैम्पटेशन्स हैं आप लोगों के लिए यूथ हैं आप लोग सो मैनी डिस्ट्रेक्शनस टैम्पटेशन्स हर कोई लगा हुआ है गलत कामों में हर जगह ये बातें हो रही हैं आप कहीं किसी गैदरिंग में बैठते हो गए फजूल किस्म की बातें हो रही हैं वो लड़का अपने किस्से कहानियाँ सुना रहा है ठीक है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए तो बंदे का भी दिल करता है कि यार मैं भी करूँ टीवी सीरीज़ की कई बात हो रही है फजूल किस्म की बंदे का दिल करता है यार मैं भी देखूँ इसमें है क्या लेकिन जो रेजिस्ट कर गया इतनी टम्पटेशन्स के बावजूद किसी ना किसी तरह रेजिस्ट कर गया और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ माशा एक मेरा स्टूडेंट था अब अमेरिका में होता है उसकी मदर ने एक बार हमें आके कहा कि ये जब पढ़ रहा होता है पता नहीं दरवाज़ा खोल के पढ़ता है हम इसे इतना कहते हैं कि अकेले में पढ़ा करो डिस्ट्रैक्शन होती हैं शोर हो रहा होता है घर में तो मैंने हमने जब उससे बात की तो उसने कहा कि असल में मैं फितने से डरता हूँ आई एम स्ट्रगलिंग तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ कि मुझे मेरी नज़र पड़े लोगों की मुझे और वो वो लेवल का स्टूडेंट था ऐसे तो लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्राइव कर रहे हैं चाहे वो सफ़र कर रहे हैं लेकिन दे वॉन्ट गिव इन वो हथियार नहीं टेकेंगे जैसे वो इशफाक अहमद का एक कोर्ट है ना कि जो बंदा बद किरदार होता है वो किसी भी कुएं से पानी पी लेता है वो ये नहीं देखता क्या हलाल है क्या हराम है उसे प्यास लगी उसने कहीं से ही बुझा लेंगे लेकिन जो किरदार है वो प्यासा मर जाएगा लेकिन वो उस कुएं से पानी नहीं पिएगा जो जहर है जो उसके लिए ख़तरनाक है तो इस तरह की यूथ पता नहीं आज है कि नहीं है बहुत रेयर है बहुत कम है लेकिन बन सकते हैं आप सब बन सकते हैं आप सब में वो चीज़ है और इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है मैं आपको बता रहा हूँ इतनी टेम्पटेशन्स आएंगी कभी चैट बॉक्स में आएंगी कभी व्हाट्सएप में आएंगी कभी ज़ाहरा फेसबुक यूज़ कर रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर्स हैं क्या कुछ नहीं है यूट्यूब है नेटफ्लिक्स खोलें वहाँ पर फितना है हर जगह ये चीज़ है किसी जगह जाएंगे वहाँ पर फितना है इतनी टेंप्टेशनस के बावजूद भी जो लड़का जो यंगस्टर जमा रहेगा स्ट्रगल करेगा अल्लाह की राह में तो उसी के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा वो मुझ पर ईमान लेकर आए हैं और वो कोई नेक अमल करेंगे तो तुमसे फिफ्टी टाइम्स ज़्यादा उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा ये सही हदीस है वो किसी गुनाह से बचेंगे कोई नेक अमल करेंगे तो फिफ्टी टाइम्स उनको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि सहाबा के सामने तो रसूल थे ना इसका ये मतलब नहीं हम सहाबा से ऊपर निकल जाएंगे वो तो इम्पॉसिबल है वो तो कभी नहीं होगा मतलब सिर्फ़ ये कि वो दौर फितने का ऐसा होगा कि कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से मोटिवेशन पकड़ें जो बंदा अल्लाह के लिए हराम छोड़ेगा अल्लाह ताला उसके दिल को गनी करेगा अल्लाह ताली उसको रिप्लेस करेगा ऐसी चीज़ से कि वो सोच भी नहीं सकता ये सारी बातें एक्सपीरियंस शुदा भी हैं लोगों की बताई हुई हैं जैसे मैंने आपको कितने यंगस्टर्स के बारे में बताया सो so, वो लोग जो नमाज की हिफाजत करते हैं रुकू और सजदा करते हैं देन दोज हुईन द राइट एंड फॉरबिट द रोंग ये बहुत ज़रूरी है मुसलमान होने का एक तकाजा ये है कि आप नेकी का हुक्म दें बुराई से रोकें नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत में जब तक मेरी उम्मत में अमर मारूफ है उसमें खैर है जैसे ही तुम लोग ने नेकी का हुक्म देना छोड़ दिया बुराई से रोकना छोड़ दिया अल्लाह विल सेंड सच डिजीजिज़ अपॉन यू के तुमने नाम भी नहीं सुना अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बीमारियां भेजेगा तुम्हारी तरफ सजा देने के लिए नहीं रिमाइंडर के लिए रिमाइंड कराने के लिए कि जाग जाओ बहुत हो गई है और पाकिस्तानी नेशन को जागने की बहुत ज़रूरत है हम सो रहे हैं बड़े अरसे से हम सो रहे हैं करप्शन फैल चुकी है इनजस्टिस फैल चुका है हर तरफ निज़ाम जो है बिगड़ चुका है तो कौन उठेगा यूथ नहीं उठेगी तो किसने आवाज़ उठानी है असाब काब अगर ये सोचने बैठ जाते कि हम तो सात हैं वो अगले तो करोड़ हैं तो फिर चेंज आती कभी फिर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं जी नहीं चेंज नहीं आने वाली अभी रिसेंटली लास्ट वीक कहीं हम बैठे हुए थे तो वहाँ यही बातें हो रही थी कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता चाहे इमरान खान आ जाए चाहे कोई भी आ जाए दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता तो बात यह ठीक करना पाकिस्तान को ठीक करना यह अल्लाह की ज़िम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी अपने आप को ठीक करना जब आप अपने आप को ठीक करेंगे जब आप अल्लाह के अहकाम पर चलेंगे सबिक आपने ये तो नहीं सोचा था ना रोम ठीक नहीं हो सकता रूमी ठीक नहीं हो सकते बादशाह वक्त ठीक नहीं हो सकता उन्होंने तो अपना काम किया और तीन सौ साल बाद अल्लाह ने जब उन्हें उठाया तो दिखाया कि देखो तुम्हारी तरफ से एक वेव चली थी और उस वेव का नतीजा ये हुआ तुम्हारी कुर्बानियों का नतीजा ये हुआ कि थाउजेंड्स एक्सेप्टेड इस्लाम और आज रोमन किंग भी मुसलमान है ये है साबे काफ की पूरी स्टोरी तीन सौ साल बाद जब वो उठे रोमन किंग मुसलमान हो चुका था तो चेंज बड़े लेवल पे चेंज लाना अल्लाह का काम हमारा काम है कि हम जितना कर सकते हैं हमने उतनी इनपुट देनी है बेटर टू लाइट वन स्मॉल कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस डार्कनेस को तो हर कोई लांतान करता है लेकिन कैंडल कितने लोग जलाते हैं असल बात तो ये है ना क्या हम उनमें से बन जाएंगे जो हर वक्त बैठ के लान तान कर रहे हैं हर एक कैंडल जलाएं एक चिंगारी जलाएं एक लाइट जलाएं तो हु द दोंग एंड एनजॉइन द राइट जो कोई भी अच्छाई का हुक्म दे बुराई से रोकेगा अब आप ये अपने स्कूल में अपने लेवल पे अप्लाई करें जब आप किसी को बुली होते देखें किसी का मजाक उड़ते देखें आपको तरस आना चाहिए और आप उसका साथ दें बजाय के उन बुलिस में होने के बजाय के वहां पे ताली बजाने वाले में बजाय के इंजॉय करने वाले में आपको चाहिए स्टैंड लें वहां पे कि इसको क्यों बुली किया जा रहा है आपको चाहिए उस मजलूम का साथ दें यह है वो स्पिरिट जो मुस्लिम उमा का स्पिरिट था विच हैजाइट्स सिंस लॉन्ग दैट्स वाई वी आर सफरिंग सो

अलमुग रिपोर्टेड प्रॉफिट पीजिप्रेटिलीट वन आबून प्रॉफिट नमाज अदा किया करते यहाँ तक कि उनके फीट स्वेल कर जाते थे इट वॉज से आप ऐसा क्यों करते हैं अल्लाह ने तो आपके गुना माफ कर दिए सारे ही नॉट बी अ ग्रेटफुल क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ नमाज का फ़लसफ़ा समझें इस हदीस से नमाज से गुनाह भी माफ़ होते हैं नमाज से बंदा बुराइयों से भी बचता है नमाज से एक्सरसाइज भी होती है नमाज से पाकिजगी भी होती है बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन अल्टीमेट फिलासफ़ी रसूल अल्लाह ने बता दी क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुज़ार बंदा ना बनूँ जब आप किसी का शुक्रिया करना चाहते हैं आप किसी एक्शन के थ्रू करते हैं आप सिर्फ यह जाके तो नहीं कहेंगे ना शुक्रिया वो एक स्मॉल थैंक है इसी तरह अल्लाह ताला का शुक्रिया कैसे होगा थ्रू एक्शन और वो एक्शन क्या है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं मैं अल्लाह के आगे झुकूं मैं चैरिटी करूं वगैरह वगैरह ये है फ़लसफा इबादत फिर एक ज़बरदस्त हदीस अबू हुरैरा हरा अन्हु रिपोर्टेड द पुअर दुअर केम टू द मैसेंजर ऑफ़ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजरीन जो कि पुअर थे इतने रिच नहीं थे वो एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एंड दे सेड द वेल्दी हैव टेकन द हाईएस्ट डिग्रीज एंड ब्लेस्ड ब्लेस्ड रैंक्स अनसार की बात कर रहे थे कि अनसार में जो अमीर लोग हैं वो सारा सवाब ले गए और वो हाईएस्ट रैंक ले गए क्योंकि वो अमीर थे चैरिटी बहुत करते थे उन्होंने मदद की महाजरीन की इससे साबित ही होता है कि उनमें मुक़ाबलाबाजी नेक अमाल की थी उनमें मुकाबलाबाजी ये नहीं थी कि वो लंबा है मैं छोटा हूँ वो अमीर है मैं गरीब हूँ उसके पास लम्बरगीनी है मेरे पास महरान है उनकी मुकाबलाबाजी ये थी कि वो ज़्यादा अमाल कर रहे हैं वो तो सबकत ले गए तो हम तो सबकत ले जाने वाले हैं ही नहीं अल्लाह ने तो असाबिकून की तारीफ़ की है हम तो असाबिकून हैं ही नहीं तो प्रॉफिट हाउ इज़ दैट उन्होंने पूछा पता तो करें कि ये कैसे आप कह रहे हैं ये बात दे सेट दे प्रज़ वी प्रे दे फास्ट एज वी फास्ट दे गिव इन चैरिटी बट वी डू नॉट हैव हैव चैरिटी टू गिव दे फ्री एंड वी नन टू फ्री या रसूल वो नमाज़ पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं वो फास्टिंग करते हैं हम भी करते हैं ये तो हम कर सकते हैं लेकिन वो चैरिटी इतनी करते हैं वो गुलामों को छुड़वाते हैं हम तो ये कर ही नहीं सकते ना हमारे पास गुलाम है ना हमारे पास पैसे हैं हम चैरिटी कहाँ से करें द प्रॉफिट ससलम सेट शैल आई टीच यू समथिंग बाय विच यू विल रीच दोज अहेड ऑफ़ यू सरपास दोज आफ्टर यू एंड बाई विच नो वन विल बी बेटर देन यू बट वन हु डज़ लाइक यू क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं कि तुम उनसे भी आगे निकल जाओ या उनके बराबर हो जाओ उनको सरपास कर जाओ वो अमल क्या है दिस हेड ऑफ कोर्स या रसूल अल्लाह बताइए द प्रॉफिट प्रोफिट्स ग्लोरीफाई एंड एग्जॉल्ट एंड एग्जॉल्ट्रेजल्ला थर्टी थ्री टाइम्स आफ्टर एवरी प्रेयर ग्लोरीफाई अल्लाह अल्लाबहान अल्लाह एग्जॉल्ट अल्लाह 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 अकबर एंड प्रेज एग्जॉल्ट्लाज़ अल्हमदल्ला सुबहान्ल अकबर तैतीस बार जो हर नमाज के बाद पढ़ेगा और आखिरी बार ला एला एला ला वदउ उलाशरक़लामलकू अलामदूआन कदीर तो वो रुतबा पा जाएगा उस शख्स जैसा जो चैरिटी भी करता है गुलामों को आज़ाद भी करता है तो देखिए इस्लाम में ज़िक्र की और इस्लाम में अल्लाह ताला की हमद बयान करने का कितनी फज़ीलत है तो महाजरीन इस आंसर पर कितना खुश हुए होंगे कि चलो अगर हमारे पास स्पेंड करने के लिए नहीं है तो ये हमारी तरफ़ से चैरिटी है तो अल्हामिदून अल्लाह की हमद बयान करने वाले हर नमाज के बाद इसको आदत बना लें तेतीस बार सुबहान अल्लाह तेतीस बार अलहमद ला तेतीस बार अल्लाह पर, और फिर एंड में जो मैंने आपको बताया अबू जर रिपोर्टेड एक और चेन से ये हदीस थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज में मिलती है सम ऑफ दिन एंड ओ मैसेंजर द रिच है्ड अमीर लोग सारे रिवार्ड्स ले गए यानी हो रही दे प्रे एस वी प्रे

इन एवरी प्रेज अलहमदुल्ला कहने में सुबहान अल्लाह कहने में अकबर कहने में और अलहमद कहने में चैरिटी है इन एवरी डिक्लेरेशन ऑफ वननेस इज चैरिटी यानी ला लाला ला कहने में चैरिटी है एंड ज्वाइनिंग गुड इज़ चैरिटी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नेकी का हुक्म ये आपकी चैरिटी है एंड फॉरबिंग ईवल इज चैरिटी बुराई से रोकना ये आपके लिए चैरिटी है एंड इन अ मैनस इंटीमेट रिलेशन विद हिज वाइफ इज चैरिटी कि औरत और मर्द के इंटीमेट रिलेशन में वाइफ के और हस्बैंड के इंटीमेट रिलेशन में चैरिटी है ये एक फ़लसफा है पूरा क्योंकि बोथ आर फुलफिलिंग ईच अदर्स नीड्स इन अ हलाल में नॉट लुकिंग एट एनीथिंग हराम हलाल की तरफ जा रहे हैं दे सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज देर आर रिवॉर्ड फॉर वन हु फुलफिल्स हिज पैशंस हु पैशंसफाइज हिज पैशंस वो हैरान हुए उन्होंने कहा कि ये क्या जो अपने पैशंस को फुलफिल कर रहा है सेटिसफाई कर रहा है उसके लिए भी चैरिटी है

तो ये इस्लाम है इट डज़ नॉट किल आवर डिज़ायर्स इट डिसप्लिन आवर डिज़ायर्स फिर बड़ी खूबसूरत हदीस है सही इबन हिबान की हदीस नंबर फाइव सिक्स एट फाइव अन बिन बशीर क़ैला रसूल सल वम इज अलूबीना कुमेरामी सतरतन बिन अलिफा अलािकब्र अली मेक बिटवीन योर सेल्फ एन दी अनलॉफुल अ बैरियर ऑफ वट इज लॉफुल अपने दरमियान और अनलॉफुल चीजों के दरम्यान एक जगह आप हैं जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है बाढ़ लगी हुई है उस साइड पे हराम है इस साइड पे हलाल है तो अपने दरमियान एक बाढ़ लगा लो हराम से बैरियर ले आओ अपने आप को महफूज रखो जिस बंदे ने एक्सपोज किया हुआ अपने आप को दिन रात आराम से तो वो तो फिर गया बाढ़ लगाने से क्या मुराद है कि भाई जिन चीज़ों की वजह से तुम हराम की तरफ जा रहे हो उनको अवॉइड करो बीच में एक बाढ़ लगाओ हु एवर डज सो विल क्लियर हिमसेल्फ इन रिगार्ड टू हिज ऑनर एंड हिज रिलीजन जो कोई भी ऐसा करेगा वो अपने ऑनर को भी बचा लेगा अपने दीन को भी बचा लेगा लेकिन जो कोई केयरलेस होगा बाढ़ ही नहीं लगाई मैं आपको मजे की बात बताऊं कि सूरह कहफ में एक बहुत बड़ा फितना मेंशन है क्यामत के करीब एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है क्या है वो फितना सूर्य काफ में मेंशन है याजूज माजूज अब अल्लाह ने किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इतनी डिटेल में नहीं बताई का, इवन काबा की कंस्ट्रक्शन इतनी डिटेल में नहीं है कुरान में जितनी याजूज माजूज की दीवार क्या कहा अल्लाह ने कि जुल्कर नैन अल इस्लाम ने कहा कि जाओ लोहा लेकर आओ तांबा लेकर आओ कॉपर लेकर आओ आयरन लेकर आओ फिर पूरा तरीका बताया कि किस तरह उन्होंने बनाई वो दीवार क्यों बता रहे हैं अल्लाह ताला इस पे उलमा ने एक बड़ा ज़बरदस्त नुक़ बयान किया उन्होंने कहा है जितना बड़ा फितना उतनी ज़्यादा प्रेपरेशन उतनी बड़ी दीवार समझ आ रही है आपको बात याजूज माजूज से बचना है तो आम दीवार नहीं बनेगी कॉन्क्रीट की दीवार नहीं है कॉपर और आयरन आपकी सोच है ये क्या मिक्सचर होता है ये पूरा एलोए है तो हम कैसे हिफाजत करते हैं अपनी आपके सामने हमने अपने आप को खुला छोड़ा हुआ हमने अपनी नजर को खुला छोड़ा हुआ फिर बाद में हम कहते हैं हम हराम में पड़ गए बाद में हम कहते हैं हमसे गुनाह हो गए तो जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी हिफाजत उतनी बड़ी वॉल आगे लगेगी तो उस वॉल को बनाएं हु एवर डो वो ऑनर को भी बचा लेगा अपने अपने दीन को भी बचा लेगा शेफर्ड हु ग्रेजेज नियर दाइड ऑफ अम वली फॉल इन टू इट कितनी खूबसूरत बात है कि वो शेफर्ड जो अपनी बकरियों को या खुद उस जगह फिर रहा है जो ई बाउंड्री के करीब है तो कभी ना कभी वो बाउंड्री से दूसरी साइड पे चला जाएगा तो बाउंड्री पे ना रहो दूर रहो हम बाउंड्री पे रहेंगे तो कभी ना कभी हमारा दिल करेगा कि नहीं लेट्स गो इन टू इट लेट्स फॉल इन टू इट यही वजह है हम गुनाहों की तरफ जाते हैं क्योंकि हम बाउंड्री पे रहते हैं और वो भी हम एहसान जतलाते हैं बाउंड्री पे रह के अल्लाह पे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा करें वेरीली एवरी किंग हैज़ अ सैंक्टम एंड द सैंक्टम ऑफ अल्लाह इज इज प्रोहिबिशन हर बादशाह का एक सैंक्टम एक सेंटिटी है और अल्लाह ताला सुभान व तआला का सैंक्टम क्या है उसकी हदूद जो उसने आपके लिए डिफाइन कर दिए और आपने फॉलो करने वाला तक्रबना जिना के करीब भी ना जाओ अल्लाह की सेंकटी है अल्लाह ताला की बाउंड्री है करीब ना जाने से मुराद यही है कि वो हरकतें ही ना करो वो चीज़ों की तरफ ही मत जाओ जो अल्टीमेटली तुम्हें उधर लेकर जाएंगे ह्यूमन नेचर है इंसान फिसलता है तो ये हदीस बहुत ही ज़बरदस्त हदीस है विद रिगार्ड्स टू एक्टिंग ऑन ददूद अल्लाह जो कोई अल्लाह की हदूद को बहुत सीरियस लेगा बच ज़िंदगी गुजारेगा जैसे मैं अमेरिकन कंपनी में जब काम करता था हमारी ट्रेनिंग हुई मैनेजमेंट ट्रेनिंग उसमें हमें एक फ़िलासफ़ी पढ़ाई उन्होंने ज़ीरो इंसिडेंट फ़िलासफ़ी वो फ़िलासफ़ी पढ़ के मैं हैरान रह गया कि देखें ये रियल लाइफ में कितने केयरफुल होते हैं गोरे वो फ़िलासफ़ी ये थी ज़ीरो इंसिडेंट फ़िलासफ़ी कि आप सब वर्कर्स ने जो भी ट्रेनिंग वहाँ पर ले रहे थे आपने जैसे ही एक्सीडेंट का चांस भी देखना है आपने उसे रिपोर्ट करना और मजह का खेज तरीके से वहाँ रिपोर्टिंग होती थी लेकिन वो करते थे मिसाल के तौर पर अब मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर वेल्डिंग भी होती थी वहाँ पर कॉन्क्रीट भी होती थी वहाँ पर मेटल के पीसिस भी गिरते थे वहाँ पर पानी स्पिल हुआ होता था कीचड़ होती थी फील्ड एरिया था तो गोरे इतने केयरफुल हैं एक्सीडेंट्स के बारे में ज़ीरो इंसिडेंट फ़िलासफ़ी के इतने कायल हैं कि थोड़ी सी कीचड़ होती थी वो उसको बैरिकेड कर देते थे चारों तरफ से कि कोई अंदर ही ना जाए क्योंकि कल को अंदर जाएगा फिसलेगा गिरेगा टांग टूटेगी कल को मसला होगा हमारे लिए मसला होगा थोड़ी सी हवा चली तूफान नहीं आया थोड़ी सी हवा चली सारा काम रोक दिया क्योंकि वो ऊंची ऊँची क्रेन्स होती हैं आपको पता है बूम्स होते हैं ऊँचे ऊँचे तो वो क्रेन तूफ़ान में अगर चल रही है उसको लोअर नहीं किया तो वो हिल के पता नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं थोड़ी सी हवा चली काम रोक दिया कि नहीं तो जब वो करें तो वो इंटेलिजेंस है और जब इस्लाम कहे कि करीब भी नहीं जाना तो हम ऐतराज़ करते हैं कि ये क्या इस्लाम में हर चीज़ हराम है ये भी हराम है वो भी हराम है वो अपने लिए इतनी चीज़ें हराम कर लेते हैं सक्सीड करने के लिए डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न लगाते हैं ग्रेटिफिकेस को डेफर करते हैं ताकि मैं सक्सीड करूं लेकिन वही चीज़ जब इस्लाम कहता है तो हम अल्लाह पे एतराज़ करते हैं हम कहते हैं ये क्या हर चीज़ हराम है दीन में तो इस्लाम से बड़ा ज़ीरो इंसिडेंट फिलॉसफी का और कौन कायल है कि भाई वो चांस ही ना दो जिससे एक्सीडेंट हो सीधी सी बात तो अल्लाह को पामाल करना वो हमारे लिए ही मुसीबत बनेगा वो हमारे लिए ही मसला बनेगा और अल्लाह को फॉलो करना वो हमारे लिए ही बेनिफिशल होगा और लास्ट हदीस बाद मगरिब पढ़ते हैं द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलैहि वसल्लम सेड हु एवर सीक्स द प्लेजर ऑफ अल्लाह बाय द डिसजर ऑफ पीपल अल्लाह विल सफ़ेम अगेंस्ट द पीपल जो कोई लोगों की नाराजगी मोल लेके अल्लाह को राज़ी कर लेता है तो अल्लाह ताली लोगों के एजेंडों से लोगों के उन से मैकनेशन से उनकी साजिशों से उसको बचाता भी है और अनकरीब अल्लाह लोगों को भी उससे खुश कर देता है लेकिन हु एवर सीक्स द प्लेजर ऑफ पीपल बाय द डिस प्लेजर ऑफ अल्लाह अल्लाह विल लीव हिम टू द patronage ऑफ पीपल फिर अल्लाह उसे कहता है कि आप तुम और लोग जाने तुमने लोगों को प्लीज़ करना है मुझे छोड़ के तो फिर ठीक है आप तुम खुद ही अपने मसले हल करो और ऐसा ही होता है कि हम लोगों को प्लीज़ करते हैं अल्लाह को डिसप्लीज़ करके लोग हराम कहते हैं हम कहते हैं हम भी करेंगे लोग हराम को फॉलो करते हैं हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं अल्लाह ने कुछ और कहा इट्स ओके हम लोगों को फॉलो करेंगे तो पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ है बहुत मसला है पीयर प्रेशर हमारी जनरेशन का क्योंकि वी जस्ट वॉन्ट टू बी नोन हमें ख़्वाहिश होती है कि मेरा भी एक नाम हो मैं भी कोई काम करूँ उसके लिए फिर हम बहुत से हराम काम करते हैं उसके लिए भी हम बहुत सी चीज़ें करते हैं और वो चीज़ें अल्टीमेटली हमें हराम की तरफ ले जाती हैं तो ये हदीस याद रखिए कि लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को डिसप्लीज करेंगे तो फिर अल्लाह हमें लोगों के हाल पे छोड़ देगा और फिर लोग जलील करेंगे लोगों से फिर ज़लालत मिलेगी कुछ देर बाद वही लोग ने आपको छोड़ देना यही ज़िंदगी का तजर्बा है जिनको आपने अल्लाह को छोड़ के खुश किया था कुछ देर बाद उन्होंने आपको छोड़ देना उन्होंने इस्लामक कर देना तो ये लेसन आफ्टर लेसन अल्लाह ताला सन्सेयर सबसे सीसियर बीइंग हमारी लाइफ में अल्लाह व तआला की ज़ात है इसलिए टू तो इग्नोर सच अ बीइंग एंड टू तो डिसप्लीज़ सच अ बीइंग इज़ फुलिशनेस अल्लाह ताला हमें अपने आप को प्लीज़ करने वाला बना दें और अल्लाह ताला हमें ये जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया सूरह तौबा के ये सारे एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला हम में डाल दें और इसके लिए ज़ाहरा एफ़र्ट है इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको नफ्स मारना पड़ेगा मन मारना पड़ेगा रूटीन चेंज करनी पड़ेगी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ऐसे ही नहीं हो जाएगा तो उसके लिए आप रेडी हो जाए मेंटली पूरा वीक है आपके पास इन एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए जजाकैर खैर नकल्लाबी हमदी